हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं आप लोगों का एक बार फिर से अपने इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे डिग्री क्या होती है और डिग्री कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, ग्रामर में डिग्री एक जानेंगे, ग्रामर में डिग्री क्या होती है और डिग्री कितने प्रकार की होती है। फ्रेंड्स, जिस तरह वर्ब की तीन फॉर्म होती है और एडवर्ब की तीन फॉर्म होती है, इसी तरह एडजेक्टिव में डिग्री की तीन फॉर्म होती है, जिसको हम कहते हैं पहले को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। और फ्रेंड, दूसरे को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और फ्रेंड, तीसरे को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो फ्रेंड, इस तरह से तीन तरह की डिग्री होती है, तीन प्रकार की डिग्री होती है इंग्लिश ग्रामर में। कैसे इसका प्रयोग करते हैं, आइए जान लेते हैं इसको एग्जांपल के माध्यम से अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक किया करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए और चैनल पर अगर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। कहा जाते हैं फ्रेंड्स, अगर कोई तुलना किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जा रहा हो तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री के अंदर लिखते हैं। जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, मार्कर अच्छा, यह मार्कर अच्छा। तो इस मार्कर के बारे में, एक ही मार्कर है, इस मार्कर की विशेषता बताई जा रही है, यह मार्कर अच्छा है, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु है, इसको इस तरह से हम लिखते हैं दिस इज ए गुड मार्कर, दिस इज ए गुड मार्कर। फ्रेंड, अभी यहाँ मार्कर अगर दो हो मेरे पास और मुझको कहना हो कि ये मार्कर इस मार्कर से अच्छा है, दो लोगों के बीच में बताना हो, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करनी हो तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से बनाया जाएगा दिस मार्कर इन। अब गुड की जो कंपैरेटिव फॉर्म है, उस फॉर्म को लिखेंगे इस तरह से दिस मार्कर इज बेटर मार्कर, यह मार्कर उस मार्कर से अच्छा है। और अगर बहुत सारे मार्कर रखे हों कहीं पर, उन सब के बीच में बताना हो किसी एक मार्कर के बारे में, यह मार्कर सबसे अच्छा है, उसको हम इस तरह से कहेंगे दिस इज द बेस्ट मार्कर, दिस इज द बेस्ट मार्कर। इस तरह से हमने देखा कि गुड का कंपैरेटिव फॉर्म बेटर और इसका सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट हुआ। तो डिग्री की तीन फॉर्म होती है, जिसको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कहते हैं। जिस तरह से वर्ब की तीन फॉर्म होती है उसी तरह से एडवर्ब की तीन फॉर्म, इसी तरह से एडजेक्टिव की भी तीन फॉर्म होती है, जिसको हम डिग्री कहते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा रोहन ए चतुर लड़का, रोहन के बारे में विशेषता बताई जा रही है, किसी के बीच तुलना नहीं हो रही, किसी के मध्य तुलना नहीं हो रही, एक ही लड़का है, सिर्फ उसके बारे में एक पॉजिटिव, इसके बारे में एडजेक्टिव, एक विशेषण है, ये चतुर, इसके माध्यम से रोहन के बारे में विशेषता बताई जा रही है रोहन की, तो इसको इस तरह से लिखेंगे रोहन इज ए क्लेवर बॉय। तो जब तुलना एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बीच में हो, जब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बात हो रहे हो तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं, और जब
दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में तुलना हो तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दो लड़के हो जाए, अगर हमको कहना हो रोहन मोहन से अच्छा है, तो यहाँ दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना होगी तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे। इस तरह से रोहन इज, अब चतुर चतुर लिखा हुआ, रोहन एक चतुर लड़का है तो क्लेवर भी चतुर होता है, तो इसका हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे तो लिखेंगे रोहन इज क्लेवरर, क्लेवरर, और एक वर्ड जोड़ेंगे डैन, रोहन इज क्लेवरर डैन मोहन, अर्थात रोहन मोहन से अच्छा है। जब दो लोगों के बीच में तुलना होगी तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो क्लेवर का क्लेवरर हो गया और एक डैन शब्द का यूज किया गया। इसी तरह से अगर आपको कहना हो रोहन सबसे ज्यादा चतुर, रोहन सबसे ज्यादा चतुर है, यानी बहुत सारे बच्चे हों कहीं पर, बहुत सारे लड़के हों, तो उनमें कहना हो कि रोहन सबसे ज्यादा चतुर है तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे। इस तरह से रोहन इज द, अब क्लेवर जो था हमारा एडजेक्टिव, इसका सुपरलेटिव फॉर्म लिखेंगे क्लेवरेस्ट, रोहन इज द क्लेवरेस्ट बॉय, रोहन सबसे चतुर लड़का। आइए और एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। जैसा आपको कहना हो हिमालय एक बड़ा पर्वत है, हिमालय एक बड़ा पर्वत है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं द हिमालय, द हिमालय इज ए बिग माउंटेन, हिमालय इज अ बिग माउंटेन, हिमालय एक बड़ा पर्वत है। और अगर तुलना दो पर्वतों के बीच में करना हो कि हिमालय एटलस से बड़ा पर्वत, हिमालय एटलस से बड़ा पर्वत है, तो यहां दो पर्वतों के मध्य तुलना हो रही है, दो पर्वतों के बीच में तुलना हो रही है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री का यूज इस तरह से करेंगे द हिमालय, द हिमालय इज बिगर, बिग का कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे, बिग का कंपैरेटिव फॉर्म होगा बिगर, हिमालय इज बिगर देन वर्ड का यूज करेंगे, हिमालय इज बिगर द, हिमालय इज बिगर देन एटलस। तो जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के मध्य तुलना होगी तो हम कंपैरेटिव फॉर्म का यूज करेंगे, और जब एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की बात होगी तो उसको हम पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे, और जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य तुलना होगी तब उसको सुपरलेटिव डिग्री में, जैसे हिमालय, हिमालय सबसे बड़ा पर्वत, हिमालय सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा, हिमालय सबसे बड़ा पर्वत, हिमालय सबसे बड़ा पर्वत। इस तरह से द हिमालय, द हिमालय इज द बिगेस्ट, बिग का सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे बिगेस्ट माउंटेन, द हिमालय इज द बिगेस्ट माउंटेन, हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है। जब तुलना एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बीच में होगी तो उसको पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे, जब दो या दो व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में तुलना होगी तो कंपैरेटिव फॉर्म में रखेंगे, और जब बहुत सारे लोगों के बीच में, व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना होगी तो उसको हम सुपरलेटिव फॉर्म में रखेंगे।
डिग्री की तीन फॉर्म होती है, इसको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कहते हैं। आइए और एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं, इसे मेरी शर्ट अच्छी है, मेरी शर्ट अच्छी है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे, माई शर्ट इज गुड, माई शर्ट इज गुड। और इसको हमको इस तरह से कहना हो, दो लोग हो, दो दोस्त कहीं खड़े हो, दो फ्रेंड्स हो, तो एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड से कहे मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से अच्छी है, मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से अच्छी है, तो कंपेरिजन हो रहा है, तो उसको हम कंपेरेटिव डिग्री में बनाएंगे इस तरह से। जैसे कोई कहे मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से, मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से अच्छी है, तो इस तरह से माई शर्ट इज बेटर गुड का कंपैरेटिव फॉर्म यूज करेंगे, माई शर्ट इज बेटर देन योर्स भी कह सकते हैं, योर शर्ट भी कह सकते हैं, My shirt is better than your shirt। या इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो, मेरी शर्ट सबसे अच्छी, बहुत सारे लोग हो उनमें से कोई एक बोले कि मेरी शर्ट सबसे अच्छी है, तुलना दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होती है, तो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं, मेरी शर्ट सबसे अच्छी है, तो लिखेंगे माई शर्ट इज द बेस्ट। गुड का सुपरलेटिव फॉर्म यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये होती है ग्रामर में डिग्री, डिग्री किसे कहते हैं और डिग्री कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स, डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जिस तरह से वर्ब और एडवर्ब की तीन फॉर्म होती है, इसी तरह से डिग्री की भी तीन फॉर्म होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को डिग्री समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल पे इसी तरह नए नए वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद।